9 अप्रैल को विक्रम संवत के पहले दिन में पंजाब यूनिवर्सिटी में राम भजन संध्या होने जा रही है। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। उसमें कांग्रेस के पार्षद सचिन गालव जी ने ये कहा है कि मैं भजन संध्या में कहता हूँ जो हिंदू है वो कांग्रेस को वोट ना दे, सिर्फ भाजपा को वोट दें। तो यार वो बिल्कुल निराधार है, ऐसी कोई वीडियो हो तो वो ज़रूर दें ताकि दुनिया तक सच पहुँच सके। और उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि प्रभु राम की भजन संध्या है, आप भी दल बल के साथ आइए। अगर आपके पास ऐसी वीडियो पाई जाती है मेरे द्वारा कही हुई तो मैं खुद कार्यक्रम रद्द कर दूंगा, और अगर नहीं हुई तो आपको छोटा भाई बनकर कार्यक्रम में आना है और भजनों का आनंद लेना है। युवाओं को जुड़ने दें, मैं कभी आपसे मिला नहीं हूँ ना मैं आपको जानता हूँ, लेकिन आप अगर युवा नेता हैं तो युवाओं के भले के लिए सोचें और उन्हें जुड़ने दें भगवान से। पहले ही इतने नशे से हमारी युवा पीढ़ी त्रस्त है, उसको भगवान से जुड़ने दें ताकि उनको सही रास्ता मिले और एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में बने। राजनीति को छोड़कर हम रामनीति पर बात करें, हम सब मिलकर प्रभु राम के चरणों में आएं। मैं पुनः आपको आश्वासन देता हूं, भरोसा देता हूं कि जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रभु के भजन होंगे जो होते आए हैं। अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी हमारे लिए राम मंदिर का फैसला लाते तो मैं उनका भी नाम लेता, मैंने ये ज़रूर कहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं कहा कि जो हिंदू है वो कांग्रेस को वोट ना दे या किसी और को ना दे। सबकी अपनी अपनी मत है, जो मर्जी जिसको दे, हम तो सिर्फ भजन करने आ रहे हैं, हमें आप भी जुड़ें उस भजन से। 9 अप्रैल को विक्रम संवत के पहले दिन में पंजाब यूनिवर्सिटी में राम भजन संध्या होने जा रही है, आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। उसमें कांग्रेस के पार्षद सचिन गालव जी ने ये कहा है कि मैं भजन संध्या में कहता हूँ जो हिंदू है वो कांग्रेस को वोट ना दे, सिर्फ भाजपा को वोट दें। तो यार वो बिल्कुल निराधार है, ऐसी कोई वीडियो हो तो वो ज़रूर दें ताकि दुनिया तक सच पहुँच सके। और उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि प्रभु राम की भजन संध्या है, आप भी दल बल के साथ आइए। अगर आपके पास ऐसी वीडियो पाई जाती है मेरे द्वारा कही हुई तो मैं खुद कार्यक्रम रद्द कर दूँगा, और अगर नहीं हुई तो आपको छोटा भाई बनकर कार्यक्रम में आना है और भजनों का आनंद लेना है। युवाओं को जुड़ने दें, मैं कभी आपसे मिला नहीं हूँ ना मैं आपको जानता हूँ, लेकिन आप अगर युवा नेता हैं तो युवाओं के भले के लिए सोचें और उन्हें जुड़ने दें भगवान से। पहले ही इतने नशे से हमारी युवा पीढ़ी त्रस्त है, उसको भगवान से जुड़ने दें ताकि उनको सही रास्ता मिले और एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में बने। राजनीति को छोड़कर हम रामनीति पर बात करें, हम सब मिलकर प्रभु राम के चरणों में आएं। मैं पुनः आपको आश्वासन देता हूं, भरोसा देता हूं कि जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रभु के भजन होंगे जो होते आए हैं। अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी हमारे लिए राम मंदिर का फैसला लाते तो मैं उनका भी नाम लेता, मैंने ये ज़रूर कहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं कहा कि जो हिंदू है वो कांग्रेस को वोट ना दे या किसी और को ना दे। सबकी अपनी अपनी मत है, जो मर्जी जिसको दे, हम तो सिर्फ भजन करने आ रहे हैं, हमें आप भी जुड़ें उस भजन से।